दोस्तों 400 से 500 साल पहले की बात है, जब हमारे महाकाश विज्ञान में जितने तथ्य मिलते थे वो केवल खाली आंखों के सहारे ही मिल पाता था। मगर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप के सहारे कई रहस्यों का पर्दाफाश किया। लेकिन आधुनिक समय के अनुसार धरती में बने सबसे पावरफुल टेलीस्कोप ने और भी कई राज खोले। 1917 में हुकर टेलीस्कोप कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया। 1917 से 1949 के बीच ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप रहा। उन सालों के दौरान प्रख्यात खगोलविद एडविन हबल ने एंड्रोमेडा नाम के आकाशगंगा का सटीक विवरण दिया, और उस टाइम सबसे बड़ा खोज था मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा महाकाश में और भी कई आकाशगंगाओं के होने का अनुमान। यूनिवर्स सिर्फ मिल्की वे तक सीमित ना होके और भी फैला हुआ है। तब धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने बिना किसी बाधा के, यानी वायुमंडल या फिर बरसात के बाधा के बिना, स्पेस में टेलीस्कोप प्रक्षेपण करना चाहा, जिससे कि महाकाश का अध्ययन और भी सही तरीके से किया जा सके। फिर स्पेस टेलीस्कोप का कंसेप्ट आने लगा, और 1990 में आखिरकार एडविन हबल के नामानुसार हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही शुरू हुआ हबल टेलीस्कोप का ये सफर। मगर हबल टेलीस्कोप के साथ जुड़े हुए और भी कई तथ्य हैं, जिन्हें जानने के लिए देखते रहिए गेन न्यूज़ का ये एपिसोड। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तेरह अप्रैल 1990 में छोड़ा गया हबल टेलीस्कोप का वजन 11,110 किलोग्राम है। 43.3 फीट बाई 13.8 फीट आयाम के निचली पृथ्वी कक्षा वाले इस टेलीस्कोप में हर हिस्से को चलाने के लिए 2100 से 2800 वाट पावर चाहिए। दो 25 फुट वाला सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेने में मदद करता है। 5500 वाट तक पावर लेने के बाद उसको बैटरी में स्टोरेज करके रखा जाता है। इसमें 125 पाउंड का 6 NIH रिचार्जेबल वाला बैटरी पावर स्टोरेज का काम करता है। लेकिन इन बैटरियों का देखभाल किया जाता है धरती में बना एक ग्राउंड स्टेशन से। ये ग्राउंड स्टेशन है यूएसए के मैरीलैंड राज्य में स्थित ग्रीन बेल्ट शहर में। गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ही वो संस्था है जहां से 24 घंटे हबल टेलीस्कोप में नजर रखा जाता है। टोटल 4 टीम 24 घंटा वहां से काम करता है। लेकिन टेलीस्कोप से भेजा गया तथ्य और तस्वीरें संग्रह से लेकर वैज्ञानिकों तक पहुंचाने का काम करता है स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट। ये मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में बना जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी होमवुड कैंपस में है। पृथ्वी के निचली कक्षा में घूम रहा हबल टेलीस्कोप 27,300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। घूमने के वक्त इसका झुकाव 28.5 डिग्री से रहता है। पूरा धरती का एक चक्कर लगाने में इसे 95 मिनट्स का समय लगता है। हबल टेलीस्कोप में दो प्रधान मिरर है। प्राइमरी मिरर का व्यास 2.4 मीटर है और वजन 1,825 पाउंड यानी 828 किलोग्राम है। हालांकि दूसरा मिरर का वजन 12.3 किलोग्राम है। ये 12 इंच व्यास वाला सेकेंडरी मिरर है। ये दो आईना टेलीस्कोप का मेन इंस्ट्रूमेंट्स में गिने जाते हैं, जिसके वजह से अंतरिक्ष को गहराई से देखा जा सकता है। इनमें से पहला मिरर हमारे आंखों से 40,000 गुना ज्यादा रोशनी जमा कर सकता है, यानी यूएसए के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में बैठकर वाशिंगटन डीसी शहर में उतरने वाला किसी भी हवाई जहाज का रोशनी आराम से देखा जा सकता है। यह दोनों आईना यूनिवर्स में मौजूद अधिकतर रोशनी से लेकर अल्ट्रावायलेट रोशनी और इंफ्रारेड रोशनियों को देख सकता है। 1990 से लेकर आज तक हबल टेलीस्कोप ने 1.3 मिलियन विभिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण कर चुका है, और इन सबको 15,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किया जा चुका है, बल्कि हर साल लगभग 10 टेराबाइट साइज का नया तथ्य पृथ्वी में भेजता है। अब तक करीब 150 टेराबाइट साइज के बराबर तथ्य भंडार जमा हो चुका है, मतलब हर हफ्ते 140 गीगाबाइट वैज्ञानिक तथ्य पृथ्वी तक हबल टेलीस्कोप भेजता है। हबल टेलीस्कोप का ये सफर इतना आसान नहीं था। 1990 में जब इसे लॉन्च किया गया तब फर्स्ट मिरर में इंसान के एक बाल के 1/50 भाग बराबर एरर आ गया, जिससे कि भविष्य में धुंधला चित्र आ सकता था। इस समस्या को दूर करने के लिए 1993 में टेलीस्कोप का पहला सर्विसिंग किया गया।
और STS-61 नाम से वो मिशन के दौरान मिरर को ठीक किया गया। ठीक ऐसे ही चार बार टेलीस्कोप का सर्विसिंग किया जा चुका है, STS-61, STS-82, STS-103, STS-109, STS-125। अब तक अंतिम बार 4 मई 2009 में STS-125 सर्विसिंग के दौरान हबल टेलीस्कोप का सर्वश्रेष्ठ देखभाल किया गया। इन सब सर्विसिंग के कारण हबल टेलीस्कोप का कार्यकाल 2028 से 2040 तक का हो चुका है। 1990 में छोड़ा गया हबल टेलीस्कोप का नींव रखा था खगोलविद लेमन स्पिट्जर 1946 में। उनके मुताबिक धरती में लगे टेलीस्कोप के सहारे ताराओं का अध्ययन करना मुश्किल होता है। धरती में उपस्थित वायुमंडल के कारण ताराओं का टिमटिमाहट दिखाई देता है। इसी के कारण लेमन स्पिट्जर अपने वैज्ञानिक पत्र एस्ट्रोनॉमिकल एडवांटेजेस ऑफ एन एक्स्ट्राटेरिस्ट्रियल ऑब्जर्वेटरी में इसका जिक्र किया था, जहां उन्होंने महाकाश में स्थित पर्यवेक्षण हेतु टेलीस्कोप के बारे में बताया था। इसी अध्ययन का फल सच साबित हुआ जब आज तक का अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे सफल और बहुत दिनों तक चलने वाला यह हबल टेलीस्कोप अपना काम करने लगा। इसमें लगे पॉइंटिंग कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत फाइन गाइडेंस सेंसर्स बिना कोई बाधा के एक सटीक चित्र और जानकारी जुटाता है। इसका लक्ष्य इतना सटीक है कि 1 माइल दूरी से बिना कोई एक बाल बराबर हिले एकदम परफेक्ट इमेज ले सकता है। इसने अब तक ना जाने कितने रहस्यों को दुनिया के सामने रखा, लेकिन हबल टेलीस्कोप से भेजे गए चित्रों से यूनिवर्स का सटीक उम्र जो कि 14 बिलियन साल है उसका पता लगाया गया। इस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स के बारे में और अनजाने बहुत सारे आकाशगंगाओं के बारे में भी वैज्ञानिकों को मदद किया है। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड नाम का ये इमेज आने के बाद आकाशगंगाओं के बारे में निरीक्षण करने का मौका खगोलविदों को मिला। हबल टेलीस्कोप अन्य कुछ ग्रहों के वायुमंडल के बारे में भी अध्ययन करने का अनेक डेटा पृथ्वी में भेज चुका है। दोस्तों, हर कृत्रिम उपग्रह और चीजों का एक समय काल होता है, ठीक वैसा ही हबल टेलीस्कोप का भी है। अगर ये टेलीस्कोप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो क्या अंतरिक्ष का खोज कुछ हद तक रुक जाएगा? नहीं, हबल टेलीस्कोप के चलने के साथ साथ और एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्लान के मुताबिक 2021 तक छोड़ा जाना है। इसके प्राइमरी मिरर में 18 हेक्सागोनल वाला सोने के पात से बना बेरिलियम केमिकल एलिमेंट वाला सेगमेंट होगा और उसका व्यास 6.5 मीटर है, जो कि हबल के प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर से काफी ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, आपने देखा अंतरिक्ष में काम कर रहा ये हबल टेलीस्कोप कितना कारगर है, मगर आपका इस बारे में क्या राय है जरूर हमें बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।